आज हम जा रहे हैं डेरा बाबा मुराद शाह जी की दरगाह पर। डेरा बाबा मुराद शाह जी की दरगाह नकोदर में पंजाब में स्थित है, जो कि एक धार्मिक स्थल है। यह करनाल से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। इसमें जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। आपको जलंधर के लिए ट्रेन लेनी होगी, वहाँ से यह 25 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है, जो कि आप बस के द्वारा तय करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नकोदर और हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री होती है। जब आप एंट्री करते हैं तो आपको एक पर्ची दी जाती है, जो कि यहाँ पर एंट्री करने के लिए दी जाती है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अंदर की तरफ और करवाते हैं आपको लाडी शाह जी के दर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज कितनी ज़्यादा भीड़ है, जबकि आज वीरवार नहीं है, संडे है। लोगों की भीड़ देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में लाडी शाह जी के प्रति कितनी ज़्यादा श्रद्धा है। ऐसा बताया जाता है, इस डेरे पर बाबा मुराद शाह, जो कि बाबा शेर शाह का चेला बन गए थे, मुराद शाह केवल 24 वर्ष की आयु में ही फ़कीर बन गए थे। शाही गुलाम शाह जी को प्यार से लाडी शाह जी भी बुलाते हैं। दोस्तों, सामने की तरफ ये जो आप देख रहे हैं जोड़ा घर है, इसमें आप जूते चप्पल कुछ भी निकाल कर रख सकते हैं। जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जल का प्रबंध है। यहाँ पर आप अपने हाथ पैर और मुंह धो सकते हैं। हाथ पैर और मुंह धोने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको यहाँ से राइट साइड में जाना होगा। सामने एक प्रसाद घर है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद के साथ साथ आप यहां से अगरबत्ती भी ले सकते हैं। यहां पर जो प्रसाद मिलता है वो डिब्बे में पैकिंग होती है, 50 या 100 रुपए की। यहां से आप जो प्रसाद लेंगे वो डिब्बा बंद ही अंदर चढ़ाया जाता है। वो वहां पर कुछ समय के लिए रखते हैं, उसके बाद आपको वापस दे देते हैं। और जो अगरबत्ती आप लेकर जाएंगे वो भी वहाँ पर बंद डिब्बे में ही चढ़ा दी जाती है, जलाई नहीं जाती। सामने जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार है। इसी से हमको अंदर एंट्री करके जाना है। इन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है विदेश जाने की, तो वह यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं और साथ में जहाज चढ़ाकर जाते हैं। जिस हॉल में हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर यह स्पेशली फ़ोटोग्राफी के लिए बनाया गया है। आप जितना चाहे उतनी देर तक यहाँ पर फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। बट जैसे भीड़ होती है तो उस वजह से जहाँ पर दर्शन किए जाते हैं, आज वहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं करने दी जा रही थी। जिस दिन यहाँ पर भीड़ कम होती है, आप हर जगह की वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स जा रहे हैं चाय का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर आप ये साइन बोर्ड देख सकते हैं, इस तरफ चाय का प्रसाद मिलता है। यहाँ पर चाय के प्रसाद के लिए लेडीज़ की अलग लाइन होती है और जेंट्स की अलग लाइन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट साइड में हॉल है, वहाँ पर लाइनों में बिठा कर चाय का प्रसाद दिया जा रहा है। इसके सामने ये लेफ्ट में है। अभी यहाँ पर चाय का प्रसाद नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भीड़ कम है। जब सामने वाला हॉल फुल हो जाता है तो उसके बाद इस वाले हॉल में भी चाय का प्रसाद दिया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, ये सारा संगमरमर का लगा हुआ है। इसके बाद हम चाय हॉल से निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर एक पार्क बना हुआ है और साथ में ही चाय का प्रसाद जहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों, अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर भी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप ये राइट साइड में जो पार्क और झील देख रहे हैं, इसमें जाना मना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन कपों में चाय का प्रसाद दिया जाता है वो यहाँ पर धोए जाते हैं। यहाँ पर इन कपों को सुखाया जाता है और ट्रे में रखा जाता है। सामने जो आप भट्टी देख रहे हैं, इस पर चाय का प्रसाद बनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है वीडियो बनाना सख्त मना है, बट फिर भी लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये लाडी शाह जी चलाते थे। ये इनका नंबर है 786-7 और ये दूसरी गाड़ी है 786-8। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पर आज पानी का भी प्रबंध किया गया है। ये आप सामने देख सकते हैं मीठा पानी पिलाया जा रहा है। तो गाइस फाइनली अब हम बाहर आ चुके हैं। ये सामने जो मार्केट है अब हम ये आपको दिखाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं इस गेट से हमने एग्जिट किया है अभी, और यहाँ पर सामने प्रसाद भी दिया जाता है। स्वाद ले रहा भाई क्या करो
रहने दे, बस दूरी हो जाता दूरी ठीक है, हम तो लेट चले जाएंगे, पैर फूंक लेंगे, पर लेडीज क्या कर नहीं सकते। दोस्तों जो स्लिप आपको स्टार्टिंग में दी जाती है वही स्लिप आपको यहाँ पर एग्जिट गेट पे देनी होती है।